शतपथ ब्राह्मण के 11वें कांड में एक आख्यायिका आती है कि अरुण के पुत्र उद्दालक बहुत बड़े वेदज्ञ ऋषि थे, उनको बुलाया गया। कहाँ? वो कुरु पांचाल देश के थे। कुरु पांचाल देश मतलब कि यही आपका दिल्ली से लेके कन्नौज तक का जो ये हिस्सा है, ये कुरु पांचाल प्रदेश कहलाता है। वो कुरु पांचाल प्रदेश के थे। उन्हें आमंत्रित किया गया यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ में मुख्य प्रधान ऋत्विक की भूमिका देने के लिए कश्मीर में। कुरु पांचाल से कश्मीर में उनको आमंत्रित किया गया, औदिच्य देश में। वहां पर ब्राह्मण ग्रंथ कहता है औदिच्य देश में और उत्तर दिवाई। औदिच्य देश के लिए परिभाषा दी गई। औदिच्य देश क्या है? उदीच्य पश्चिमोत्तर, पश्चिम उत्तर पश्चिम का जो भाग है, यानी हिमालय का, यानी कश्मीर का वो भाग है। वहां पर एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन हुआ और वहां पर उनको आमंत्रित किया गया। आमंत्रित हो गए, उनको आमंत्रित होने के साथ ही, चूंकि बड़े विद्वान थे इसीलिए उनको आमंत्रित किया गया था। तो प्रथा थी कि जो प्रधान होगा विद्वान, उसके सामने आते ही जो है वो स्वर्ण का निष्क उसके सामने रखा जाता था, उसे उपहार के रूप में दिया जाता था, सम्मान के रूप में दिया जाता था कि आप हमारे आमंत्रण पर पधारे, हम जो है वो बहुत अनुग्रहित हुए, सौभाग्यशाली बने, ये हम जो है आपको उपहार दे रहे हैं। बाकी जो दक्षिणा वगैरह वो सब तो बात की बात। जब वो निष्क दिया गया सुवर्ण का, तो जो कश्मीर देश के विद्वान थे, वेदज्ञ थे, औदिच्य, उनके मन में सुगबुगाहट हुई। उन्होंने कहा कि हम इनको सम्मान दे रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन इनकी विद्वत्ता का और इनके वेद की मर्मज्ञता का तो हम परीक्षण करें, ये कितने मर्मज्ञ हैं, क्योंकि ये तो पहला अवसर है कि हमने इनको बुलाया है इनके यशस को सुन करके। तो उन्होंने उनके यहाँ के जो स्वैदायन ऋषि थे उनसे निवेदन किया कि आप जरा सा इनके वैदुष्य के प्रति परीक्षा कर लीजिए। तो स्वैदायन जो है वो स्वीकार किया उन्होंने, हाँ ठीक है। स्वैदायन उनके पास गए, बातचीत हुई, विद्वान थे ही इसलिए उन्होंने विद्वत्तापूर्वक बातचीत की। तो स्वैदायन ये तो समझ गए कि ये अच्छे विद्वान आदमी हैं, लेकिन ये सब समझने के बाद ये तो उन्होंने स्थिर कर लिया कि हमारे यहाँ आमंत्रित हुए तो ये आमंत्रित होने लायक थे, प्रधान ऋत्विक का इनको कार्यभार ग्रहण करना उचित है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ करके 5 प्रश्न उपस्थित कर दिए कि देखें इसका भी ये क्या उत्तर देते हैं। वो 5 प्रश्न जो उपस्थित किए वो हैं कि हे महर्षि, यज्ञ में वृत्त होने का और प्रधान पद प्राप्त करने का वो अधिकारी होता है जो कि यज्ञ की क्रियाओं का मर्म जानता हो, रहस्य जानता हो। तो मैं जिज्ञासा करता हूं कि दशपूर्ण मास में 8 जो है वो सबसे पहले आज्य की हवियां दी जाती हैं, 5 मध्य में हवीर्याग किया जाता है, माने आज्य के साथ फिर उसमें पुरोडाश भी सम्मिलित किया जाता है, उसका अंश भी सम्मिलित किया जाता है, और फिर उसको हवियां दी जाती हैं, और उसके बाद 6 उसके अंत, उसके बाद 6 जो है वो प्रजापति के लिए हवीर्याग किया जाता है, और अंत में 8 जो है वो फिर आज्य की आहुतियां दी जाती हैं। ये स्थूल रूप है, इसका क्या मर्म है, क्यों ऐसा होता है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि महर्षि, क्या आप ये बता सकते हैं कि दशपूर्ण मास इस यज्ञ की क्रिया में जो रहस्य छिपा है, या इस सृष्टि में क्यों संपूर्ण प्रजाएं बिना दांत की पैदा होती हैं?
दांत बाघ में निकलते हैं। और फिर क्यों दांत निकलते हैं, और फिर क्यों वो बचपन के दांत फिर टूट जाते हैं, और फिर क्यों दांत आते हैं, और फिर वो युवावस्था तक रहते हैं, और फिर क्यों ऐसा होता है कि वृद्धावस्था में वो फिर दांत टूट जाते हैं? क्या आप इसका मर्म हमें समझा सकते हैं? दूसरा प्रश्न उन्होंने किया। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि क्यों सृष्टि में नीचे के दांत पहले उत्पन्न होते हैं? आप बच्चे को देखेंगे तो बच्चे के सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं, तो क्यों नीचे के दांत पैदा होते हैं और फिर उसके बाद ऊपर के दांतों की उत्पन्न होने की श्रृंखला उत्पन्न होती है, और क्यों नीचे के दांत छोटे होते हैं ऊपर के दांत बड़े होते हैं, और क्यों दाढ़ें जो हैं जिनसे हम चबाते हैं वो फैली हुई होती है, और क्यों जबड़े जो हैं वो समान होते हैं? क्या इसका कोई यज्ञ से संबंध है? इसका यज्ञ श्रम, हाँ, ये दूसरा उन्होंने तीसरा प्रश्न किया। चौथा उसने किया, उन्होंने किया स्वेदायन ने, क्यों सभी प्रजा लोमश यानी रोम से युक्त होती है चमड़ी के ऊपर, चाहे वो गाय का और फिर लोम है, चाहे वो गाय का बछड़ा हो, चाहे सिंह का शावक हो, चाहे मनुष्य का शिशु हो, क्यों रोमश पैदा होता है, और किस कारण से एक अवस्था आती है जब वो तरुण होता है तो दाढ़ी मूछ निकलने लगती है या अन्य अंगों में बाल निकलने लगते हैं, और क्यों सबसे पहले सिर के बाल सफेद होने लगते हैं, और क्यों अंतिम अवस्था में सारे बाल सफेद हो जाते हैं? यहां तक ये रोम जो है बहुत वृद्ध, 100 वर्ष का अगर होगा आप देखेंगे 90 साल से ऊपर जाने पर फिर ये रोम भी जो है वो सफेद होने लगते हैं, तो क्यों ऐसा होता है, ये प्रश्न किया। फिर उन्होंने किया कि किस यज्ञ की क्रिया के कारण इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि होती है, जो परमेश्वर यज्ञ कर रहा है, ये उसकी बात है, हमारे यज्ञ की बात नहीं है, ये उस परमेश्वर के द्वारा जो निरंतर सृष्टि में यज्ञ किया जा रहा है, स्वेदायन का इशारा उसकी ओर है कि क्यों ब्रह्मांड में ऐसी स्थितियां होती हैं और उस यज्ञ से इसका क्या संबंध है। वो कहते हैं कि किस क्रिया के प्रभाव से इस संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य उत्पन्न होता है या कोई भी प्राणी उत्पन्न होता, पशु पक्षी जो भी उत्पन्न होता है, वो कुमारावस्था तक प्रजनन शक्ति में समर्थ नहीं होता, क्यों ऐसा होता है कि युवावस्था आते ही वो प्रजनन शक्ति में समर्थ हो जाता है, फिर क्यों ऐसा होता है कि एक अवस्था आने के बाद वो प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है? ये चौथा प्रश्न उन्होंने किया, और इसका उस परमेष्ठी के द्वारा अनुष्ठित होने वाले यज्ञ से क्या संबंध है? और अंतिम प्रश्न उन्होंने किया जो कि इस भौतिक यज्ञ से संबंधित था, वो उन्होंने किया कि ये जो कहा जाता है कि यज्ञ करने के बाद जब अवस्था पूर्णता को प्राप्त कर लेता है यजमान, तो वह तेजोमय गायत्री के पक्ष पर बैठ करके स्वर्ग की ओर प्रयाण कर जाता है। आप मेरे इन जिज्ञासाओं का समाधान दे सकें तो मैं बड़ा उपकृत होऊंगा। उद्दालक ने कभी ऐसे प्रश्न सुने नहीं थे और इस पर विचार भी नहीं किया था, वो मौन हो गए। तो स्वेदायन का तो केवल एक मतलब था कि उन्होंने जान तो गए थे कि बड़े विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण आदमी है और ये आए यहाँ, बहुत अच्छा हुआ, ये कराने में समर्थ हैं, लेकिन जो परमेष्ठी के द्वारा इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए और इसकी एक व्यवस्था के निमित्त जिसके कारण सारी व्यवस्था इस सृष्टि की चल रही है, व्यवस्थित है, इसका यज्ञ से क्या संबंध है, ये भी ये जानते हैं, इस बात के परीक्षण के लिए उन्होंने ये प्रश्न रखे थे, लेकिन
उद्दालक जो है वो मौन हो गए, वो नहीं बता पाए, स्वेदायन चले गए और जाके उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े विद्वान हैं, हमारे यज्ञ कराने में ऐसे ही विद्वानों की आवश्यकता है। लेकिन उद्दालक को रात को नींद नहीं आई, उन्होंने कहा कि इन रहस्यों को तो मुझे भी जानना चाहिए। वो दूसरे ही दिन स्नान ध्यान करके और समिधा हाथ में ले करके और कुशा हाथ में ले करके स्वेदायन के पास पहुंचे। ब्रह्मन, मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं, आप मुझे उन प्रश्नों का उत्तर बताइए, मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता कि उस परमेष्ठी के द्वारा इस सृष्टि में निरंतर चलने वाले यज्ञ से कैसे इस सृष्टि प्रक्रिया में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या मर्म है, ये आप ही बता सकते हैं। और इस आधिभौतिक का उस आध्यात्मिक से और उस आधिदैविक से क्या संबंध है? क्या संबंध है? ये धात के आने से, जात के जाने से, लोम के आने से, लोम के जाने से, इस सब का क्या संबंध है? कुछ संबंध है या भी नहीं है, ये है बात। तो स्वेदायन ने कहा कि महर्षि, शिष्यत्व ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, आप विद्वान हैं, मैं जानता हूँ, मैंने पूछा था, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ इसका रहस्य कि जो इस प्रकृति में उस परतत्व के द्वारा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए निरंतर जो यज्ञ अनुष्ठित हो रहा है, वो उसमें उसी की अनुकृति ये यज्ञ है जो भौतिक यज्ञ है। तो उन्होंने कहा कि मैं भौतिक यज्ञ के माध्यम से समझा रहा हूं आपको कि दशपूर्णवास याग में दो आधार होते हैं, पांच प्रयाग होते हैं और एक अग्नि देवता के लिए आज्य भाग होता है। ये आठ आहुतियां जो हैं वो आज्य की है, घृत की है, जो पहले होती है, और उसके बाद अग्नि और सोम देवता दशपूर्णमास का प्रधान देवता है, तो ये तो अग्नि की आहुतियां हो गई। सोम देवता के लिए आज्य भाग, अग्नि देवता के लिए पुरोड़ास, शिष्टकृत याग और अग्नि की के लिए फिर आहुति, ये पांच जो है वो मध्य के हविर्भाग है जिसमें कि पुरोड़ास का अंश भी आज्य के साथ जुड़ जाता है। प्राशित्र भाग, इड़ा भाग, आग्निद्र भाग, ब्रह्म भाग, यजमान भाग और अन्वाहार्य जो ऋतुजों के लिए दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, ये जो है ये छह जो हैं ये प्रजापति देवताक हैं और ये अंत में होते हैं। तो और तीन अनुयाज, चार पत्नी संयाज, समिष्ट यजु, ये आठ जो हैं वो अंत के आज्य भाग हैं। अब वो कहते हैं कि देखिए प्रयाज याग में जो अभी इन्होंने याज्ञा पढ़ी, याज्ञा के पहले पुरोन वाक्य होती है, याज्ञा माने प्रधान होम वाक्य के पहले जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो पुरोन वाक्य कही जाती है। तो वो कहते हैं कि आहुति से पूर्व जो पुरोन वाक्य पढ़ी जाती है, इसके कारण से, क्योंकि आहुति अभी नहीं दी गई है, केवल मंत्र पढ़ा गया है, उस पुरोन वाक्य के पठन से का ही ये फल है कि सृष्टि में ये व्यवस्था है कि मनुष्य का कोई या शिशु या पक्षी या पशु का जो शावक जन्म लेगा या शिशु जन्म लेगा वो बिना दांत का होगा, क्योंकि वो केवल पुरोन वाक्य पढ़ी गई, केवल मंत्र पढ़ा गया, अभी उसके साथ जो है वो कुछ लगा नहीं, अभी याज्ञा नहीं हुई, इसलिए इस पुरोन वाक्य के कारण जो उस परतत्व के द्वारा याग होता है, इसलिए सारी प्रजाओं के लिए व्यवस्था है कि वो बिना दांत की पैदा होगी। उसके बाद हवि में जो दी जाती है उसके साथ वो पुरोड़ाश का अंश भी जुड़ जाता है। आज ये जो है वो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ के साथ जब जो है वो अन्न का अंश भी जुड़ जाता है तब वो सृष्टि में दांत बनाने का जो उपक्रम है वो प्रारंभ कर देता है।
तब दांत निकलने लगते हैं। अभी तक उसको केवल स्तन्य प्राप्त है, स्तन्य प्राप्त है, और अब चूंकि अन्न अन्न उसके साथ जुड़ गया, अभी तरल पदार्थ प्राप्त था, इसलिए जो भी चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य का शिशु हो वो स्तन्य पदार्थ ही शुरू में ग्रहण कर सकता है, या माता माता की द्वारा द्वारा जो दिया गया है मातृतत्व ही वो ले सकता है वो तरल पदार्थ, क्योंकि वो आहुति जो है वो भी केवल तरल पदार्थ की है। जब उसमें अन्न जुड़ गया, थोड़ा कठिन पदार्थ कठोर पदार्थ जुड़ गया, तब जो है वो अब उसमें दांत की अपेक्षा होती है। तो इसलिए उसी का फल है कि समस्त सृष्टि में अब दांत की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और फिर जब अनुयाज याग होते हैं तो उनमें पुरोनुवाक्या नहीं होती, इसलिए फिर दांत जो है वो टूट जाते हैं, हुए और फिर टूट गए। और इसके बाद फिर पत्नी संयाज में अनुवाक्या जुड़ जाती है, तो इसी से सभी के दांत फिर दृढ़ हो जाते हैं। अच्छा। और अंत में समिष्ट यजु में फिर अनुवाक्या नहीं होती, इसलिए अंतिम अवस्था में चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य का शिशु हो उसके दांत फिर टूट जाते हैं, वृद्धावस्था में फिर टूट जाते हैं। तो ये पुरोनुवाक्या और याज्ञ और अनुवाक्या अनुवाक्या इन तीनों का जो क्रम है, क्रम है वो दरअसल कॉस्मिक है, ब्रह्मांडीय है, ब्रह्मांडीय है, और उसका फल जो है वो ब्रह्मांड में इस तरह से प्रतिफलित होता है। अतः वो भौतिक और वह जो ब्रह्मांडीय है ये यहाँ वो दोनों एक है, उसको किसी न किसी तरह से इसको अब दूसरे का आपके लिए दूसरा प्रश्न जो उन्होंने किया उसका उत्तर वो देते हैं कि क्यों सारी प्रजाएं लोमश पैदा होती हैं। आपने अगर दर्शपूर्ण मासेष्ट याग देखा होगा तो याग का एक विधि है कि बरही का आस्तरण होता है, ठीक है, बिना बरही के आस्तरण के याग नहीं होता है, कुछ है कुछ कुछ बिछाई बिछाना पड़ता है। तो चूंकि यज्ञ वेदी पर बरही का आस्तरण होता है और बरही आस्तरण होने के बाद ही यज्ञ का प्रारंभ होता है, और उसके बाद उस आस्तरण के बाद एक समय के बाद फिर उस पर दोबारा आस्तरण किया जाता है, कुछ मुष्टि होती है उस कुछ मुष्टि का फिर उस आस्तरण के ऊपर फिर से आस्तरण किया जाता है। तो और इसलिए बरही का आस्तरण हुआ, उसका प्रतिफलन ये हुआ कि सृष्टि की प्रजाएं जो हैं वो लोमश पैदा हुई, क्योंकि बरही अर्थात कुश वो पृथ्वी का लोम है। समस्त ये जो दर्भ है ये जो उद्भिज है और फोड़ करके कुश के रूप में आ रहा है, और वह कुश जो कांडात कांडात प्रसरपंती जो है हाँ तो ये बढ़ रही है ना, तो वो जो ग्रोथ है वो जो निरंतर बढ़ना है वह उसका एक तरफ तो हमारी जो घास है ये घास उसको देखती है, दूसरी तरफ उस घास का एक विशेष प्रकार जो कुश है उसके द्वारा एक तरफ तो वो वंश में जाती है, बांस में एक के बाद एक वो दिखाई पड़ता है, और दूसरी ओर ये दर्भ है, दर्भ को मूल मानने का क्या बात है? तो रोमश पैदा हो रोमश हुए, ठीक है। इसके बाद जब यज्ञ विधि में दर्शपूर्ण मासेष्टि में दोबारा जब बरही का आस्तरण होता है तो फिर उसी शिशु जब वो तरुणावस्था में पहुंचता है तब उसे केश ये जो दाढ़ी और मूछ और अन्य स्थानों में जो बाल हैं वो निकलने लगते हैं, क्योंकि वो दोबारा बरही आस्तरण हुआ यज्ञ वेदी पर, दोबारा बरही आस्तरण हुआ, तो इसलिए जब तरुणावस्था में पहुंच गया चाहे वो पशु हो चाहे कोई भी हो उसके अपने अपने रूप से वो फिर दोबारा जो है वो रोमों की उत्पत्ति होती है। और इसका प्रजनन की शक्ति के साथ जो सामर्थ्य है अर्थात सृष्टि की शक्ति के साथ जो समन्वय है
मूल बात यह है कि उस वैश्व व्यवस्था में सृष्टि है और वह उस वैश्व व्यवस्था की सृष्टि जैसे यहाँ पर आ रही है, जैसे क्रमशः वो अपनी उस पिंड में स्थान ग्रहण कर रही है, अपनी उसको पाक पा रही है, इस रहस्य को आख्यान के द्वारा बताया गया बताना। अब बच गई बात कि पहले सिर के बाल सफेद क्यों होते हैं। स्वेदायन ने कहा, जब आप दशपूर्णिमा सृष्टि के विधान को देखेंगे बहुत सूक्ष्मता से, तो एक विधि ये आती है कि जो पहली जो बरही बिछी, माने जो कुछ मुष्टि जो बिछाई गई, उसके ऊपर जो है वो स्फिया से प्रहार किया जाता है, स्फिया से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, आघात किया जाता है। तो स्वेदायन ने कहा कि वो जो दोबारा बरही आस्तरण हुआ और उसके ऊपर जो प्रहार किया गया वो आघात किया गया, इसलिए मनुष्य के दाढ़ी मूंछ और सिर के बाल पहले सफेद होने शुरू होते हैं। और उसके बाद वो फिर एक विधि आती है, जबकि जो मूल जहां बरी आस्तरण हुआ है पहली बार वहां पर प्रहरण होता है, इसलिए जब चरमावस्था को प्राप्त होता है तो पूरे शरीर के बाल जो है वो ये रोम वोम लेकर के सब सफेद हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहां पे परम तत्व में यज्ञ चल रहा है, दर्शपुर मास बिल्कुल, बिल्कुल चल रहा है, उसके प्रभाव से ये सब गतिविधियां हो रही हैं, बिल्कुल चल रहा है, वो तो बंद हो ही नहीं सकता, उसी के प्रभाव से गतिविधियां हो रही हैं। अब ये जो बताया गया कि क्यों कुमारा जब तक शिशु से लेके कुमार अवस्था तक पहुंचता है तब तक वो प्रजनन में समर्थ नहीं होता, उसके लिए उन्होंने कहा कि चूंकि प्रयाजों में हवि रूप से केवल आज्य का उपयोग होता है, इसलिए जब तक शिशु से लेके कुमारावस्था तक पहुंचता है तब तक उसमें वीर्य सेचन का सामर्थ्य नहीं होता, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य का शिशु। और जब उसी आज्य के साथ जब पुरोड़ाश के अन्न का संयोग हो जाता है तब जो है वो उसमें शक्ति का संवर्धन हो जाता है और तब जो है वो जो आहुति दी जाती है, इस कारण से जब युवावस्था में पहुंचता है तो वही वीर्य के रूप में परिणत होकर के प्रजनन सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। ये भी एक रूपक है, इस रूप मेटाफर की जो बात है, किस प्रकार इस सारे इस भाषा को रूपकात्मक भाषा से जब तक हम नहीं जोड़ें तब तक इसका मर्म समझ में नहीं आता। इसका बायोलॉजिकल भी है। हाँ, बायोलॉजिकल भी, बायोलॉजिकल इस रूप में मैं थोड़ा सा, हालांकि मैं उतना नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ। हमारे घरों में गाय का घी दादी पर दादी सहेज के रखती थी पुराने जमाने में, गाय का घी, इसलिए कि बच्चे को जब निमोनिया टाइप का कुछ होने लगे तो गाय का घी मल दिया तो उससे जो है वो कफ सारे हट जाते हैं, वो एक औषधि के रूप में पुष्ट दर पुष्ट वो चलता, पुराना घी रहता था। पुराने घी में जो है वो जीव कीटाणु नहीं होते, क्योंकि वो अगर ठीक ढंग से रखा गया हो तो। जब अन्न का घी के साथ संपर्क हो जाता है तो बैक्टीरिया जो है वो जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए जब घृताहुति के साथ पुरोड़ाश के अन्न का संपर्क हुआ तो वीर्य में स्पर्म बनना शुरू हो गया, यही मेडिकल साइंस यही कहता है कि स्पर्म जो है वही तो प्रजनन सामर्थ्य पैदा करता है और उसी से फिर संतति होती है। तो जब तरल पदार्थ रहा तब तक तो तरल था, जब तरल पदार्थ के साथ हमने अन्न का संयोग कर दिया तब फिर वो स्पर्म पैदा करने की शक्ति जो है वो उसमें आ गई। इधर इधर वो है और उधर रजस है, रजस है, उधर रजस है, वो तो स्त्री पुरुष का एक साथ एक ही जैसे सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, उधर वो है तब वो स्पर्म पैदा हो गए। स्पर्म जब पैदा हो गए अब जो है वो वीर्य सेचन सामर्थ्य भी हो गया और संतति का निर्माण भी जो है सामर्थ्य भी उत्पन्न हो गया। तो इसलिए वो ये कहते हैं स्वेदायन कि देखो जो शुरू में आज्य भाग की आहुतियां दी गई उसमें वो शक्ति नहीं थी,
बाद में जब प्रोडाश के साथ जब आहुति दी गई तो वो शक्ति उत्पन्न हो गई, ब्रह्मांड में वो शक्ति परमेष्ठी के द्वारा अनुष्ठित यज्ञ के द्वारा वो शक्ति दे दी गई, उत्पन्न कर दी गई। इसलिए उस अवस्था में जाकर के सभी जो हैं वो वीर्य सेचन और प्रजनन में समर्थ हो जाते हैं। फिर उसके बाद, फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया, उसके बाद जो है अंतिम में केवल आज्य भाग की आहुतियां रह जाती हैं, तो फिर जो है वो जो स्पर्म है वो खत्म हो जाते हैं और केवल बस जो है वो वीर रह भी जाता है, वो किसी का उसका सामर्थ्य जो है वो नष्ट हो जाता है, फिर वो प्रजनन सामर्थ्य नहीं रहता। ये तो हुआ अंतिम प्रश्न जो उन्होंने किया था भौतिक यज्ञ से संबंधित, कि किस प्रकार भौतिक यज्ञ, ये तो सृष्टि का संबंध हो गया, ये भौतिक यज्ञ से इसका संबंध नहीं। भौतिक यज्ञ तो केवल एक उसका वो था, वो जो परमात्मा परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टि में अनंत काल से यज्ञ अनुष्ठित होता है, पुरुष के द्वारा पुरुष के पुरुष कर्ता और पुरुष ही उसका द्रव्य, वसंत जो है आज्य है और ग्रीष्म जो है इदम है और शरद जो है वो हवि है, ये सारी जो वेदों में पुरुष सूक्त में वर्णन है सृष्टि का, वो वर्णन है। और उस वर्णन का सृष्टि में किस तरह से नियम बनते हैं और वो नियम जो है किस तरह से सृष्टि में प्रतिफलित होते हैं, ये स्वेदायन ने बताया। अब जो आदि भौतिक स्तर पर वो आए, उन्होंने कहा कि जो यजमान यज्ञ करने वाला अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त करके जब स्वर्ग गमन करता है तो वो किस तरह से करता है। इसी में मैं एक ये भी बात बता दूं, वो जो दांत वाली बात में मेरे से छूट गया था कि क्यों नीचे के दांत छोटे होते हैं ऊपर के दांत बड़े होते हैं। स्वेदायन ने ये कहा कि देखो पुरोन वाक्या में गायत्री छंद होता है, गायत्री छंद जो है वो सबसे छोटा छंद है, आठ 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 चौबीस अक्षरों का तो इसलिए गायत्री छंद का प्रयोग होता है, इसलिए सृष्टि में जो प्रजाएं होती हैं उनके नीचे के दांत छोटे होते हैं। जब प्रधान या छोटा छंद है इसलिए दांत सब छोटे होते हैं। जब इसके बाद याज्ञा के द्वारा जो होता है और जो उस समय मंत्र पढ़ा जाता है उसका छंद जो है वो त्रिष्टुप होता है, त्रिष्टुप जो है वो गायत्री से बड़ा छंद है, उसमें गायत्री से अधिक वर्ण है, इसलिए ऊपर के दांत जो है वो बड़े होते हैं, नीचे के दांतों की अपेक्षा ऊपर के दांत बड़े होते हैं। वो बाद में आता है क्रम इसका, वो बाद में क्रम आता है। इसलिए छंदों की भी इसीलिए योजना बड़ी विशेष महत्वशाली है और इस बात को ब्राह्मण हर जगह जगह पर निर्देश देता है कि यहाँ पर इसी छंद के मंत्रों का क्यों प्रयोग है। मैंने केवल एक निदर्शन के लिए आपको बताया कि ये गायत्री छंद का महात्म्य है, उसका प्रतिफलन है, और त्रिष्टुप छंद का जो परमेष्ठी द्वारा प्रयोग होता है उसका प्रतिफलन इस रूप में है। और मानी वो जो ब्रह्मांडीय छंदोमयता है वो कैसे इस यज्ञ में पुनः अनुकृत होकर के आ जाती है, वो और कैसे पुनः वो हमारे जीवन में भी अगर वो लय विधान नहीं है तो फिर वो सब गड़बड़ा जाता है, कर्म भी गड़बड़ा जाता है। ठीक है। और अंत में जो है उन्होंने कहा कि ये जो यज्ञ की वेदी है मुख्य भाग है, ये यज्ञ की वेदी जो है यही गायत्री का रूप है, और पूर्व के जो आठ आज्य भाग हैं वो उसके दक्षिण पक्ष हैं, और अंत के जो आठ आज्य भाग हैं वो उसके वाम पक्ष हैं, और इसके बाद जब मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेता है तो वो इसी यज्ञ वेदी पर गायत्री पक्षी के रूप में आरूढ़ हो करके और उस पक्ष के माध्यम से वो स्वर्गारोहण कर जाता है। जिस रूपकात्मक भाषा की, छंदोमयी भाषा की, और जो अपने प्रतीक रूप में भी है और अपने उस रूपकात्मक रूप में भी है, जैसे वो तुरंत आख्यानात्मक रूप में भी आता है, इन तीनों का जो विस्तार है वो ब्राह्मण भाग का ये व्याख्या विस्तार और है। अब मैं दो शब्दों में इसका उपसंहार करना चाहूंगा। ब्राह्मण भाग का ही एक भाग आरण्यक है और एक भाग उपनिषद है। आरण्यक भाग को उपासना कांड कहते हैं,
उपनिषद भाग जो है वो ज्ञान कांड है। ईश्वर में अपने चित्त को स्थिर करना, इसी का नाम उपासना है। हम किस प्रकार ईश्वर में या उस परतत्व में अपने चित्त को किस प्रकार हम स्थिर कर सकें, इसी का जो क्रिया है वही उपासना है। ये जो स्थिरता चित्त की है ये बलपूर्वक नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बहुत प्रमाथी है, बलवत प्रमाथी है, मनस के द्वारा नहीं। बलपूर्वक हम चाहें वो कोई हठ योगी कर ले वो अलग बात है, लेकिन सामान्य जनता जो है वो बलपूर्वक चित्त को जो है वो हठात लगा नहीं सकती। इसलिए वह चित्त जो है वो प्रेम से ही स्थिर हो सकता है। इसलिए प्रेम जो है वो भक्ति मार्ग है। कर्मकांड हुआ, कर्मकांड से फिर हम उपासना की ओर बढ़ते हैं, उपासना से अपने अपने चित्तवृत्ति को उस उपास्य की ओर बढ़ाते हैं, बस बैठते हैं, निकट जाते हैं। इसलिए उपासना में जो है वो फिर साकार सगुण विग्रह आ जाता है। और चूंकि हम उसको जो है हठात नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, इसलिए हम प्रेम का मार्ग अपनाते हैं जो कि भक्ति का मार्ग है, और जो अमूर्त से मूर्त आने का मार्ग है, जो अत्यंत सूक्ष्म है उससे सूक्ष्म और स्थूल के बीच का भी मार्ग है, मूर्त है और अंत में मूर्त रूप में आ जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उपासना और भक्ति इन दोनों में जन्य जनक भाव संबंध है, ठीक, और इस भाव के द्वारा हम जो है वो संसार से विरक्त होकर के और फिर अपने मूल जो उत्स है, तत्व है, उस चिन्मय तत्व में अपने को विलीन करने की यात्रा प्राप्त कर लेते हैं। ये जो पास पास बैठने से उपासन से जो स्वाभाविक रूप से मैत्री आती है, और मैत्री में जो प्रेम है वो जो प्रगाढ़ होता चला जाता है, वो तो साफ जीवन में भी दिखाई पड़ता है। रोज नित्य बैठना, नित्य उठना, नित्य बात करना, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव, तो ये जो है ये तो इसी से आता है। इसीलिए सख्यम वो वेद में इसीलिए इस सारे के सारे रूप को बंधु शब्द से कहा है, जामी शब्द से कहा है और सख्य शब्द से कहा है। जो बांधता है वो बंधु है, और जहां हम जाते हैं या वो यामी है, जामीन है, और जो सख्य है वो साथ साथ बैठने से जो उपज रहा है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि उपासना बिल्कुल अलग है और जो भक्ति बिल्कुल अलग है, और भक्ति तो थी ही नहीं वहां पर, उस पर विचार की जरूरत है जी। हम अगली बार भी करेंगे जी। और बहुत अच्छा ये सत्र हुआ। हाँ, इसमें एक 5 मिनट में एक कर दें शायद, तो इसे और कुछ समझने की बात थी हमारी, कि ये जो त्याग है ये है जिसके लिए होता है, उस देव का स्वरूप क्या है। क्योंकि आधुनिक विद्वानों ने हमको बहुशः ये समझाया है कि ये जो वैदिक धार्मिक आस्था है, उपासना है, वो आरंभ होती है प्रकृति के उन शक्तियों या उपादानों के आह्वान से जो कि जड़ हैं, पुनः फिर उसका जो क्रमिक विकास होता है वो बहुदेववाद, वो देव जड़ हैं और वो अनेक हैं, और वो अनेक देव फिर कभी कभी और ऊपर की स्थिति में आई तो जैसे एक कबीला होता है, वो कबीले में एक उसका प्रधान होता है, वैसे ही वो भी एक कबीला है और उसमें एक प्रधान है, परमा देवता आ जाती है, वो परम देवतावाद आ जाता है। या फिर उसी को मैक्समुलर ने उसको समझाने की चेष्टा की, तो एक तो जड़ देवतावाद, जड़ प्रकृति की देवता,
उसमें कोई जट प्रकृति की जट इस दीवार की उपासना से करने से क्या होने वाला है, वो क्या करेगी? तो इसलिए यह धर्म एक तो पहले ये आदिम है, दूसरा फिर वो बहुदेवतावादी है, जहां जहां देखता भय से उससे उत्पन्न हो जाता है और हम उसी को करने लगते हैं। अधिक से अधिक ये होता है कि सामाजिक विकास के साथ जो कबीले में एक उसका प्रमुख होता है तो परमा देवतावाद आ जाता है, अंत में फिर वो सभी में देवता देखने लगता है, तो वो सर्वेश्वरवाद है, सभी को ईश्वर मान लेता है, पैंथीइज्म आ जाता है। तो इसलिए पॉलीथीइज्म, हेनोथीइज्म, एथनोथीइज्म और फिर उसके बाद ये आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि पैंथीइज्म, और अंत में सबसे ऊपर जो धार्मिक चेतना है वो धार्मिक चेतना है मोनोथीइज्म। फिर एक ही देवता, एक ईश्वरवाद आता है, एक ही उपास्य है, दूसरा नहीं है। There is only one adorable God and not the second। यह जो दूसरे का निषेध है इसमें बहुत ज्यादा बल है। एक ईश्वर हो तो हो है, पर दूसरा तो नहीं है। यह जो बात है धर्म की, ऐसी चेतना, ये आधुनिक विद्वान कहते हैं कि इसमें ये सब है, और क्या वो एकेश्वरवाद ही सर्वोच्च धार्मिक चेतना है? पहला तो प्रश्न ये है, एकेश्वरवाद ही में सब परिणति धार्मिक चेतना की होगी क्या, अथवा ये वस्तुतः इनमें से कुछ नहीं है, है परिणति जहां वो है अद्वैतवाद। एक है जो अपने को बहुधा बहुत रूप में प्रकाशित कर सकता है, एक है पर दूसरा नहीं है। ये बात आप क्या कह रहे हैं, एक तो है वो अद्वय है, दुई है नहीं, द्वैत है नहीं, फिर भी उसमें है अपने लिए, वो अपने एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, एक ही अनेक हो जाता है। यह जो जिस देवता की हम स्तुति करते हैं, जिसको हम जिसके लिए हम याज्ञ का कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रास्तावुति कर रहे हैं, वह प्रास्तावुति अंततः तो एक ही है, पर अपनी ही स्वतंत्रता से वह अपने को बहुरूप में प्रकाशित करती है। यह क्या जो वैदिक धार्मिक चेतना है, इस धार्मिक चेतना का यह एसेंस है, और पुनः कर्म कांड में कैसे उस सारी सृष्टि प्रक्रिया को, एक तो सोम है प्रधान देवता के रूप में और दूसरा अग्नि बहुत रूप में देखा गया है, पर एक रूप यह है कि अग्नि है जिसमें हवन दिया जा रहा है, और सोम है जिसका हवन दिया जा रहा है। इस समस्त वैश्व व्यवस्था में यह ग्रहण और अपने को समर्पण करने का भाव निरंतर चला आ रहा है। यहां हम बैठे हैं, कभी हम ग्रहण कर रहे होते हैं और कभी हम वस्तुतः देने वाले हो जाते हैं, तो ये बदल रहा है। जो ग्रहण कर रहा है वही दाता भी हो सकता है। अतएव ये कोई अन्नमहम 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 अन्नादोहम अन्नादोहम अन्नादोहम, मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्नाद हूं, आपकी दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रही हैं, आप उसको ग्रहण कर रही हैं और मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब आप बोल रही हैं तो मैं ही वो बिल्कुल बदल गया। अब कौन स्थिर है इसमें? इसलिए है तो दो ये, पर अंत में तो एक ही है। इसलिए यह जो दो का अद्वैय भाव हो रहा है, और जो विश्व है वही वस्तुतः ये पिंड है, और जो पिंड है वही विश्व है, इस प्रकार का जो अद्वैता भाव, यह जो मर्म है यज्ञ का, अतएव उसकी जो आपने कहा सर्वसमावेशिता है, और सर्वसमावेशिता के द्वारा अद्वैयता है, यह है। क्या हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं, आपने प्रश्न में ही उत्तर भी निहित कर दिया। मैं बहुत संक्षेप में दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हम
जो अंत में समर्पण और त्याग करते हैं हवि का, इदम न मम, इदम न मम, ये इसलिए है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। हमारा है क्या, इसी को एक शास्त्रकार ने बड़े सुंदर भाव में श्लोक में कहा, क्षित्याद्यै स्वकलेवरै परिणतैर हव्यानि भूत्वा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच मूल तत्व हैं। इन पांच मूल तत्वों से ही वो, ये पांच मूल तत्व भी क्या हैं, उसी परतत्व के स्वरूप हैं, उसी परतत्व की क्या बात है। पंच ब्रह्म हैं आगमों में, इस पर बहुत सुंदर विवेचन है, ठीक है देखेंगे इसको। और इन्हीं पांच तत्वों से हव्यानि भूत्वा, हव्य होते हैं, फसलें होती हैं, भोग्य भी इसी से सब इसी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, सूर्य के तेजस तत्व से और आकाश तत्व से, इन्हीं तत्वों से वो फसलें भी खड़ी होती हैं। तो जो पंच तत्व है वो भी आप ही के हैं, जो द्रव्य आपने भौतिक द्रव्य दिए वो भी आप ही के द्वारा उत्पन्न है, अगर पंच तत्व ना हो तो फसल कहाँ से होगी। तो हव्यानि भूत्वा स्वयं, और फिर तत्यागम यजमान विग्रह धरा, आप जो इस सृष्टि के कल्याण के लिए निरंतर जो है यज्ञ अनुष्ठित करते हैं, यजमान के रूप में यजमान भी बन जाते हैं आप ही पूर्व, क्यों इसलिए यजमान बनते हैं कि वो करुणा के सागर हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता, वो चैन से रह नहीं सकते अगर सृष्टि में कोई आपत्ति आए, इसलिए सृष्टि का कल्याण उनके हृदय में हमेशा रहता है, और इसीलिए वो इस कल्याण की भावना से स्वयं यजमान बन करके अहर्निश यज्ञ करते हैं। तो तत्यागम, और आप जो है जो द्रव्य का त्याग करते हैं, वो चाहे वो बसंत ऋतु आज के रूप में हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु इदम के रूप में हो, चाहे शरद ऋतु हवि के रूप में हो, या और भी जितने भी हैं, वो भी तो आप ही के हैं। तो इसलिए तत्यागम यजमान विग्रह धरा कुरुवन विलास आदिव, ठीक है, और तदवोढ़ा हवनीय मूर्ति कतया, उस उसको जो है धोने वाले भी आप ही हैं, अग्नि जो है, अग्नि के रूप, अग्नि जो है वही तो हवि को ढोता है, वही तो ले जाता है, देवता तक ले जाता है, ले जाता है। तो जो हमारी अग्नि है वो भी आप ही हैं, और आप ही जो है उसके ढोने वाले भी हैं, तद्वोढ़ा हवनीय मूर्ति के तया, और फिर वो हवियां जो है वो आपके विभिन्न शक्तियों को जो प्राप्त होती है, देवता इंद्र है, अग्नि है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यम मातृष्वान माहु, वो भी आप ही के रूप हैं। तो तद्वोढ़ा हवनीय मूर्ति कतया यो देवता रूपत स्थान्येव स्वदते, वही उसका आस्वाद ले रहे हैं, उसी का आस्वाद ले रहे हैं, तो फिर मेरा है क्या, है क्या, तो मैं इदम न मम कहूं तो क्या कहूं, क्या ये भोग्यता, भोग्य भी तुम ही हो, भोक्ता भी तुम ही हो, ये सब भोक्ता और भोक्ता और भोग्य का यह जो विस्तार है ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, हम भी उसको उसी तरह से कर लेते हैं खेल खेल में, अब इसको खत्म करो, अब इसको भोग्य और भोक्ता और भोग ये जो नानात्व है इसको समाप्त कर, आप ही अब एकत्व में हमको ले लो, बस पूर्णत्व को हमारे सारे क्रिया का जो है, सारे क्रिया का जो अंतिम हमारा भाव है वो यही है कि तुम हमें अपने एकत्व में ले।